अपने देश की शान बनना चाहिए, केवल बिहार की शान नहीं, बिहार की शान तो हम बनेंगे ही। नमस्कार, एक न्यूज 24 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई और उनमें से ही 27 ऐसे छात्र छात्राएं थी जिन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस दौरान बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कई ऐसी बातें कहीं और इसके साथ साथ उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर की बात कही। आइए सुनते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर क्या कह रहे हैं। बाहर जाते समय ऐसा संकल्प कर सकते हैं क्या, मैं प्रयास करूंगा कि नौकरी प्रदाता नौकरी थोड़ी सी एक पहल करने की आवश्यकता होती है, हमको पहल करने की आवश्यकता है। जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तब सभी साधन सुविधाएं हमको बताएंगे कि इस रास्ते पर जाने के लिए हम आपकी सहायता करने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। आवश्यकता क्या है, मेरे सोच में थोड़ा सा बदल करने की, मेरी सोच अगर बदलेगी अपने देश की शान बनना चाहिए, केवल बिहार की शान नहीं, बिहार की शान तो हम बनेंगे ही परंतु पूरे देश में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का नाम आना चाहिए। अगर केरल के किसी विश्वविद्यालय वहां पढ़ने वाले किसी एक बच्चे को लगा कि मुझे बिहार के कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, उसके सामने आना चाहिए पाटलिपुत्र। दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव और मुझे विश्वास है आप जैसे विद्यार्थी यहां जो हैं इस दिशा में निश्चित तौर पर विचार करेंगे, निश्चित तौर पर कुछ काम करेंगे। मैं सभी विश्वविद्यालय में जाकर जो कहता हूं वही बात फिर एक बार कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आज का कार्यक्रम जो है वो दीक्षांत कार्यक्रम है, शिक्षांत नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं हुआ है, आज से आपकी नई शिक्षा शुरू हो गई है। You are entering a different world, different sphere, different atmosphere. वहां जाकर आपको और शिक्षा प्राप्त करनी है और इस शिक्षा को जो श्रेय होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी को होगा, आपके अध्यापकों का होगा, आपके प्राध्यापकों का होगा। इस बात को आप सबके सामने रखकर और आज सबको फिर एक बार आप सबको मैं बधाइयां देता हूं, आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। तो आपने सुना कि किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो रोजगार सृजन की जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने छात्रों से आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में जो छात्र डिग्री ले चुके हैं वो रोजगार के लिए ललायित नहीं रहें बल्कि वो इस तरह से अपने आप को ढालें कि आने वाले समय में जो छात्र हैं वो दूसरे को रोजगार और नौकरी दे सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें, यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।